129 सदर नंबर 129 में 2007-6 में कब्रस्तान के लिए 13 एकड़ 9 घंटिया जमीन आरक्षित की गई थी, जिसकी सर्वसभा गृह में 30 लाख रुपए उसके लिए निधि भी दी गई थी। उसके बाद वो नहीं होते भी, वहाँ पर कुछ भू माफिया प्लॉटिंग निकाल के बेच रहे हैं। इसके लिए आपने महानगर पालिका को निवेदन भी दिया, और क्या मांग ली गई? 7-6-2007 को नांदेड़ महानगर पालिका के अंदर एजेंडे में एक विषय लिया गया है, विषय 1 से 25 लिया गया है, जिसमें अहम यह है कि सर्वे नंबर 129 इनामी ज़मीन जिसको संपादन करने की बात की गई है। 2007 में अनुमोदक अली जनाब मरहूम अनवर जावेद साहब और उसके सूचक मकबूल सलीम साहब ने ठराव लिया था। वो 25 ठराव के अंदर ठराव नंबर 9 के अंदर हज हाउस के बांध काम के लिए 10 लाख रुपए की निधि का उसमें तरतूद थी, वो उसको पारित किया गया था। उसके बाद विषय नंबर 20, ये अहम है, सर्वे नंबर 129 में ये ज़मीन कब्रस्तान के लिए संपादन करना चाहिए, ऐसा पारित भी किया गया, जिसके लिए 30 लाख रुपए महानगर पालिका की जानिब से खर्च भी किया गया। मगर आज वहाँ पर कुछ भूमाफिया प्रशासन को अपने हाथ में रखकर वहाँ पर प्लॉटिंग कर ये बेचने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री जनाब अब्दुल सत्तार साहब, इन तक हमने पोस्ट भी किया है, हमारी कंप्लेन भी की है, और साथ ही कलेक्टर साहब को भी हमने कंप्लेन किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इल्लीगल जो रजिस्ट्री हो रही है, उसके ताल्लुक से रजिस्ट्री ऑफिस को भी हमने कंप्लेन की है कि ये कब्रिस्तान की जगह है और इसको भूमाफिया बेच रहे हैं। और उसके साथ ही लैंड रिकॉर्ड ऑफिस, भूमि अभिलेख को भी हमने एप्लीकेशन किया है कि इसके जो गैर ज़रूरी पीआर कार्ड जो बना रहे हैं उसको ताबड़तोब रोकना चाहिए। और महानगर पालिका प्रशासन से को भी हमने ये बताया है कि जो 2007 के अंदर जो ठराव आपने पारित किया था, वो ठराव के अनुसार ये ज़मीन जिसके मूल मालक सैयद वहीदुल्लाह हुसैनी असगर हुसैनी जो मूल मालक है महबूब नगर के रहने वाले, उनको उनके हवाले करना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि महानगर पालिका ने 7-6-2007 को जो एजेंडे में विषय लेकर उस पर लाखों रुपए खर्च किए, वो लाखों रुपए कहाँ गए, इसका उन्होंने जवाब भी देना चाहिए महानगर पालिका ने। और जो ज़मीन है ये मुस्लिम दफन भूमि के लिए जो है सो जिसके मोड़ मालक है उनके हवाले स्वाधीन करना चाहिए, ये हमारी ऐसी मांगनी हमने किए है। और उसके बावजूद भी आज वहाँ पर कुछ भूमाफियाओं ने गुंडों को लगाकर वहाँ पर बलजबरी दादागिरी से जहाँ पर जिसके आज रॉयल्टी पर मुरूम की रॉयल्टी पे बंदी है, मट्टी की पे बंदी है, आज भूमाफिया रात में आकर वहाँ पर बड़े अहवाव से वहाँ पर फिलिंग किया जा रहा है। हमारी चैनल के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन को, माननीय जिला अधिकारी साहब हो या पुलिस प्रशासन माननीय एसपी साहब हो, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उसको रोका जाए, क्योंकि वो ज़मीन ऑलरेडी एजेंडे पे आ गई थी और महानगर पालिका ने उसको जल्द से जल्द ताबे में लेकर और दफन भूमि के लिए इसको बहाल करना चाहिए, ऐसी हमारी उसकी मांगनी है। जिस तरीके से आपने बताया कि 2007 में ठहराव हुआ था जिसमें मंजूरी ये चीज़ लिखी हुई थी तो कब्रस्तान होना, मगर अभी वहाँ पर वो चीज़ उठाया गया, कब्रस्तान का आरक्षित वहाँ पर नहीं है, इसका पता लगा है कि आपने की अभी भी आरक्षित कायम है कि नहीं? इनामी तो जमीन है वो, मगर वर्ग दो रहने के बाद उसमें वो आरक्षित है क्या? हमारे पास पिछले कई महीनों से हमने कुछ लोगों को
हमारे ज़िम्मेदार माशरे के ज़िम्मेदारों को लगाकर आरटीआई के ज़रिए हम लोग उसकी माहिती मांगी है। माहिती के पेपर आपके सामने हैं, इसमें भी कुछ चीटिंग की जा रही है, मगर ये जब ज़मीन जब एजेंडे पे आती है महानगर पालिका के जो 1 से 25 जब प्रपोजल पास होते हैं विषय, जिसके अंदर सबसे पहले है कि पहला प्रश्न ये है कि हिंगोली नाके पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी के पुतले का, वो तो आ गया, बाकी के 25 जो विषय है 25 में से 23 विषय आ जाते हैं और ये 2 विषय प्रलंबित रहते, तो ये क्या समझना चाहिए? यानी कि कहीं ना कहीं ये पार्शलिटी, ये भेदभाव का माहौल किया जा रहा है। इसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सहन करने वाली नहीं, बर्दाश्त करने वाली नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से वक्फ कमेटी के मेंबर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब को भी इस विषय पे हम मिलेंगे और साथ ही अल्पसंख्यक मंत्री उनसे भी हम जाकर मिलेंगे, हमारा एक डेलीगेशन मिलेगा, क्योंकि आज ये जो सवाल है, जो प्रश्न है, ये ज्वलंत है, क्योंकि इस इलाके के अंदर अगर आप देखा जाए तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर रहने वाले लोग हैं और उन्हीं लोगों को देखते हुए, तादाद को देखते हुए महानगर पालिका ने इसको आरक्षित किया था कब्रिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कब्रिस्तान नहीं है, सिर्फ एक ही कब्रिस्तान है ईदगाह का, तो इसको देखते ही महानगर पालिका ने जब ये अनुमोदक और ये सूचक, क्या ये गलत है? यानी कि ये जब सही है तो यहाँ पर मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए जगह, ये कब्रिस्तान के लिए जगह मिलनी चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पर आप बताइए कि भाई वो माफिया ने कब्जा किया, ऐसा भी है कि कईयों की रजिस्ट्री हो गई है, रजिस्ट्री होने के बाद लोगों ने प्लॉट खरीद लिए और वहाँ पर रजिस्ट्री होने के बाद इनको किस बेस पे रजिस्ट्री करेंगे, जो कि वर्क वो इनामी ज़मीन है, भले वो मदद महाज हो या खिदमत महाज हो, वो किस तरीके से उन्होंने बेचे गए, तो वो रजिस्टर पे और वो लेने वाले पे और बेचने वालों पे कार्रवाई की मांग करते हैं। नहीं नहीं, ये मैं यही बता रहा हूँ, जो भू माफियाओं का जो भोंगड़ कारोबार है, नंगराज है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को और वहाँ के कुछ जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको पकड़ के चीटिंग का काम किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी चौकशी माननीय जिलाधिकारी साहब ने इसकी जेड चौकशी लगाना चाहिए, इसको जेड प्रकरण में चौकशी लगाना चाहिए। इसमें दोषी जो अधिकारी है जिन्होंने हेर फेर किया है और जो भू माफिया है जिन्होंने साटे लोटे जो अधिकारी कर्मचारियों के साथ करके जो ये गैर जरूरी काम किए, उन पे भी कार्रवाई करना चाहिए और उन पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ये ऐसी हमारी मांगनी है। नहीं होती तो क्या करें? नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसको आह्वान देने के लिए, चैलेंज करने के लिए तैयार है। कल हमारे पास का एक शिष्टमंडल वहाँ पर स्पॉट पे जाएगा, देखेंगे, उसके बाद हम इसमें जो तज्ञ है, जो वकील से, जो उकला हजरात है, हमने उनसे भी डिस्कशन किया है। अगर यहाँ पर हमको इंसाफ अगर नहीं देता एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम इसको आह्वान देने के लिए, चैलेंज करने के लिए कोर्ट में जाने की हमारी तैयारी है।